हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये क्लास संभवतः तीसरी क्लास है, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं क्लास वन क्लास टू, तो इस तरह से ये तीसरी क्लास है। और तीसरे क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नेगेटिव वाला जो भी आता है आपके में, यानी कि नेगेटिव कैश, नेगेटिव स्टॉक, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक कंपनी बना लेते हैं वापिस से, ठीक है। कंपनी बनाना बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F3, या फिर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद क्रिएट कंपनी पर जाइए सीधा, और क्रिएट कंपनी के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, उसको भर लीजिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर देता हूं लाइक शॉप इंडिया, ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया। और यहां पर आपका जो लोकल एड्रेस है वो आता है, तो यहां पे अपना लोकल एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। न्यू कॉलोनी देवरिया कर दी हमने, एंटर किया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जो भी हमारा स्टेट का नाम हो आ जाएगा। और यहाँ पर जो है पिन कोड वगैरह डाल करके, और यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कराता हूँ उसको, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सीधा कंट्रोल ए कर देता हूँ ताकि ये पूरा एक्सेप्ट हो जाए। तो ये नई कंपनी हमारी बन गई है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद सेल्स वाउचर में चलेंगे, ठीक है। जनरली होना क्या चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए पैसे की, ठीक है। अगर पैसे की रिसीविंग नहीं है तो फिर जो है आप जब पेमेंट करने जाएंगे तो वो पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे, बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे बिना पैसे के, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास कोई स्टॉक आइटम तो है नहीं, हमने परचेस कराया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव स्टॉक नेगेटिव कैश की दिक्कत आएगी। कैसे आएगी, देखिए यहाँ सेल्स वाउचर में आप आ गए, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाला, यहाँ पर वो डेट आएगी, और यहाँ पर जो है सप्लायर रेफरेंस नंबर डालते हैं, यहाँ पर वो डेट आएगी, और यहाँ पे कैश करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, और यहाँ सेल्स अकाउंट देखिए आ गया। आप अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्ट सी करके स्टॉक आइटम बना लेंगे। अब कोई भी स्टॉक आइटम आप बनाइए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ मोबाइल, तो ये मोबाइल किया हमने, और एंटर करेंगे। यहाँ पे मोबाइल का जो यूनिट है वो बनाना बहुत जरूरी है, तो यहाँ से क्रिएट पे जाइए और मोबाइल का यूनिट हम बना लेते हैं NOS नंबर्स, ठीक है। इसका फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, नंबर्स, ठीक है। एंटर करेंगे। अच्छा यहाँ पे UPC कोड आएगा, तो NOS नंबर्स का कोड होता है NOS, तो ये नंबर्स डाल दीजिए। अब ऐसा तो है ना कि मोबाइल 2.5, 3.25, 4 ऐसे लिखेगा, इसीलिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 0 रख दिया और एंटर कर दिया। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड रेट सेट करने वाला आ रहा है, लेकिन छोड़िए अभी सब की बात बाद में करेंगे, पहले हमारा मेन जो है उसको देखते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे 67 मोबाइल्स की बात करी जा रही है, अब देखिए तुरंत यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आएगा, आया नेगेटिव स्टॉक, देख सकते हैं ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक तो नेगेटिव स्टॉक, पहली गलती, ठीक है। एक मोबाइल की कीमत कितनी है, तो यहाँ पे 14,000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 14,000 रुपए कितनी है, 14,000, तो यहाँ पे टोटल मोबाइल की कॉस्ट आ गई। अगर इस पे कुछ डिस्काउंट देना है तो मैंने डिस्काउंट ऑप्शन भी चालू कर रखा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि डिस्काउंट कैसे चालू करेंगे। ये हो गया, 2% का डिस्काउंट भी दे दिया इसमें, तो ये हमारा हो गया। हम इस पे सेल कर रहे हैं और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। आप चाहे तो नीचे और भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या डालेंगे, नरेशन डालेंगे, क्या डालेंगे, द गुड्स हैव बीन सोल्ड, ये डाल दिया हमने, एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। हो गया, ये हो गया इस तरीके से। अब हम नेगेटिव जो है कैश की बात करते हैं कि नेगेटिव कैश कैसे आएगा। तो यहां से पहले मैं बाहर आ जाता हूँ, हम सीधा चलेंगे परचेज में, इस बार हम कहाँ चलेंगे, परचेज वाउचर में। तो ये आए परचेज वाउचर में, और यहाँ पर आपका जो है सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, तो जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल करके आगे बढ़िए। और यहाँ पर किसी एक डेटर पार्टी का नेम, देखिए मैं डेटर पार्टी बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए गौरव हो गया, अल्टसी करके बनाएंगे, और यहाँ पे डी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है। उसका ग्रुप क्या रहेगा, सन्डरी डेटर रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरीके से ये डेटर पार्टी हमने बना लिया। इसी तरीके से अगर आपको क्रेडिटर बनाना हो तो क्रेडिटर भी बना सकते हैं। तो ये तो डेटर हो गया, यहाँ पर तो डेटर पार्टी लगाई नहीं जाएगी, तो क्रेडिटर बनाना होगा, तो यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्डरी क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये गौरव ही नाम है इनका, और इसका ग्रुप क्या है, सन्डरी क्रेडिटर का ग्रुप है, तो गौरव सी कर दिया, इससे पता चलेगा ये सन्डरी क्रेडिटर ग्रुप के हैं। तो क्रेडिटर पार्टी हमारी होलसेलर पार्टी होती है, यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए ये एक्सेप्ट हो गया, फिर इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। और यहाँ पर अब क्या आएगा, परचेज का लेजर आएगा, तो यहाँ पे PURCHASE। कई बार ये गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट्स कि परचेज का ग्रुप ही नहीं सही सेलेक्ट करते हैं। जैसे क्या होगा इसमें, अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो, जैसे संडी क्रेडिटर गलती से हो गया, तो देखिए कितना बड़ा नुकसान होगा आपको। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको शो ही नहीं करेगा परचेज का लेजर,
तो ऐसी स्थिति में आपको सही करना होगा अपने लेजर को, कहां जाके सही करना होगा, यहां से बाहर आइएगा स्केप बटन प्रेस करके और ये गेटवे ऑफ टैली पर आकर के अल्टर करिएगा इसे, और अल्टर करने के बाद लेजर पे जाइए, पर ये परचेज का जो लेजर है उसी में गलती हुई है, तो यहाँ परचेज पे जाइए और ये संडी क्रेडिटर हटा के परचेज कर दीजिए, यहाँ पे पी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, बस काम हो गया है। अब सीधा परचेज वाउचर में जाइए और यहाँ पे अब एंट्री पास कर लीजिए, तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर, वो डेट जिस डेट पर होगी परचेजिंग, और यहाँ पे गौरव जो लेजर है उसको लगा दिया हमने, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ परचेज अकाउंट आ जाएगा, बस यही करना है आपको। इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे अल्ट सी करके एक स्टॉक आइटम बनाते हैं लैपटॉप। सेल्स में कभी भी स्टॉक आइटम नहीं बनता है, जो गलती पहली बार की गई है उसे दोहराइएगा मत, ठीक है, वो गलती ही है और बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए, अब यहाँ पर डालिए 50 क्वांटिटी, तो यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, और एक की कीमत कितनी है 40,000 है, तो यहाँ डाल दिया, ठीक है। एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट भी कराएंगे, ठीक है। चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट इसलिए लिख रहा हूं ताकि उधार में ये परचेजिंग हो रही है, इसलिए ऑन क्रेडिट लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया, अब यहां से बाहर आएंगे और यहां से भी बटन वापस से प्रेस करेंगे, हम चलेंगे कहां, पेमेंट वाउचर में। तो इस बार हम पेमेंट करेंगे, किनको पेमेंट करना है, तो जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है उन्हीं को पेमेंट करना है। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी किसी भी तरह की रिसीविंग नहीं हुई है और इनका 2,00,000 रुपए कितना बकाया है, काउंट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000 रुपए बकाया है। अगर 20,00,000 रुपए हम पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे जैसे ही कैश का लेजर लगाएंगे तो ये देखिए ये नेगेटिव स्टॉक आ जा रहा है, सॉरी नेगेटिव कैश आ रहा है, देखिए कितना नेगेटिव जा रहा है, 10,10,760 रुपए नेगेटिव जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये नेगेटिव कैश वाली एंट्री जो है ये आपको भारी पड़ सकती है, जब भी ऑडिट होगा तो ये बहुत भारी पड़ेगी आपके ऊपर, तो नेगेटिव कैश वाली एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना।